हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 8 की मैथ 12.4 का एक क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर्स 12.3 तक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जितने भी थे हम कवर करा चुके हैं, तो आई होप सभी क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रहे हैं, वहां से आप सभी क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 1, टू डाइस आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। आपको बताने हैं कि अगर हम टू डाइस, जो लूडो खेलने के लिए डाइस यूज करते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं और लूडो खेलने में यूज करते हैं, उसे हम डाइस कहते हैं क्यूब शेप में, है ना, और उसे हम टॉस्ड कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए देखिए टू डाइस है, अगर दोनों डाइस को हम टॉस्ड करते हैं तो देखिए सबसे पहले इसमें कितने नंबर, कितने डिजिट होती है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, ये डिजिट हो गई। और ये तो पहली वन, मतलब वन डाइस पे हुई, और सेकेंड डाइस पे भी यही होंगी, 1 2 3 और 4 5 6, यानी इस पर भी 6 हुई, यानी टोटल कितनी हो गई। तो भाई टोटल नंबर कितने हैं, 12 है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम दोनों डाइस को टॉस्ड करेंगे यानी उछालेंगे, तो यहां पर देखिए पहली डाइस से भी आपके 6 नंबर निकलने वाले हैं और सेकेंड डाइस से दूसरे नंबर से भी 6 निकलने वाले हैं। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 6 और 6 मिलकर हो गए टोटल 12 नंबर्स। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप हमें प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी मतलब हिंदी में कैसे संभावना है, कितनी संभावना हो सकती कि प्राइम नंबर्स आपको मिल जाए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते, प्राइम नंबर वो होते जो किसी भी नंबर टेबल से नहीं करते हैं, किसी भी टेबल से नहीं करते, स्वयं अपने अपने आप नंबर से करते हैं, उन्हें ही हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए जब भी डाउट आप पूछा लेंगे तो उस पर आप प्रोबेबिलिटी के लिए पहले बना लीजिए कितनी यहां पर नंबर्स बन सकते हैं। देखिए जैसे ही आप टॉस उठा लेंगे तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी नंबर इस पर कौन कौन से दिख रहे हैं, प्राइम नंबर पे तो 2 नंबर है, 3 है, 5 है, यानी यही नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उछालने पर ही प्राइम नंबर जितने होंगे उन्हीं को ही हम यहां पर काउंट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर मान लीजिए कि यहां पर उछालते हैं तो 1 और कॉमा क्या बन सकता है, 2 बन सकता है, ठीक है। इसके बाद ये कौन कौन से बन सकते हैं, 2, 3 बन सकते हैं, ठीक है, इसी तरह इसके बाद कौन कौन से बन सकते हैं, 3, 4 बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 4, 5 बन सकते हैं, इसके बाद 5, 6 बन सकते हैं, यानी जब आप 2 उछालते हैं तो 1 और 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 2 और 3 भी आ सकते हैं दोनों, मतलब दोनों डाइस पे, 3 और 4 दोनों डाइस पे, अलग अलग 3 1 में आएगा, 4 1 में आ सकता है, 4 1 में आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ना। तो ऐसे हम नंबर आपको मिल सकते हैं, या आप सीरियल वाइज लिखना चाहो तो सीरियल वाइज भी लिख सकते हो, मतलब आप इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही हो कैसे, जैसे 1, 2 लिख लो, फिर 1, 3 हो सकता है, 1, यहां पर देखिए 1, 4 हो सकता है, ये थोड़ा क्वेश्चन जरूर बड़ा हो सकता है लेकिन आपको यहां पर ऐसे ही करना होगा, ये देखिए 1, 6 हो सकते हैं। इसके बाद ये कौन कौन से और प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, फिर इसके बाद देखिए 2 से हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, इसके बाद देखिए 2, 4 हो सकता है, 2, 5 हो सकता है, 2, 6 हो सकता है, इसके बाद देखिए 3 से हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है और 3, 6, यानी नंबर वाइज हम लिख रहे हैं, 4, 4 हो सकता है, इसके बाद देखिए 4, 5 भी हो सकता है और 4, 6 भी हो सकता है, 5, 6 भी हो सकता है और 5, 6 भी हो सकता है, है ना। ऐसे यहां पर नंबर हम यहां पर लिख ले रहे हैं कि कितनी यहां पर नंबर हमको मिलने वाले हैं और उन्हीं नंबर्स पे राइट करेंगे, और उसके अलावा फिर पे काउंट करके आपको प्राइम नंबर्स बतानी है। तो देखिए इतने नंबर्स यहां पे नोट कर लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है यहां पे लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर, जैसे देखिए 2 और 3 एक, ये देखिए प्राइम नंबर से मिल रहा है ना। इसके अलावा देखिए 3, 5 एक ये नंबर देखिए प्राइम नंबर आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है प्राइम नंबर्स, है ना। इसके अलावा और अगर कोई भी नंबर और कोई मिस हो सकते हैं, 2, 5 भी देखिए प्राइम नंबर मिल रहा है, ये भी प्राइम नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नंबर और कौन से मिल सकते हैं, बस अभी यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, अभी और होने चाहिए, है ना, यहाँ पर नंबर और नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर और लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई नंबर अगर मिस हो रहा हो तो, जैसे 1, 5 भी होता, 1, 5 है, हाँ 1, 5 भी है, तो 1, 5 भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए और भी कोई नंबर्स मिल रहे हो,
5.5 भी हो सकता था, 5.5 भी है, एक रह गया मिस हो गया, 5.5 भी का हो गया। तो देखिए यहां पर कितने मिल गए, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 नंबर्स यहां पर मिल गए। तो जितने नंबर की प्रोबेबिलिटी यानी जितने नंबर प्राइम थे वो ऊपर लिख लेंगे, और टोटल कितने नंबर थे तो टोटल यहां पर 12 हो जाएंगे। तो 5.12 विच इज द राइट आंसर, कंप्लीट हो गए। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इस पर ध्यान रखिए। और थोड़ा सा कंफ्यूजन तो जरूर है, दोनों डाइस से टोटल कितने हो गए, 12 नंबर हो गए, और कौन कौन से हम जो टाइस पूछा लेंगे तो कौन कौन से नंबर हम बन सकते हैं, वो नंबर सभी लिख लिए, और लिखने के बाद यहां पर नंबर्स को हमने लिख लिया है। इसके बाद ये इनको जितने आपके प्राइम नंबर्स हैं वो उतने पूरे प्राइम नंबर्स यहां पर हमने नोट कर लिए, ठीक है। और इस तरह आप यहां पर प्राइम नंबर्स यहां पर लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर जितने आए वही नंबर से आप लिखिए, तो जितने प्राइम नंबर होंगे टोटल वहां लिख लेंगे ऊपर, और नीचे आपका 5 टोटल नंबर होगा वो लिख लेंगे। तो 5.12 बिट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आप क्लियर हो गए होंगे। इसमें अभी प्रोबेबिलिटी रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो कि आने वाली वीडियोज में हम आपको पढ़ाते रहेंगे। इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अलर्ट प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो सभी क्वेश्चन भी आप लोग कवर करते चले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।